हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। 5 अक्टूबर को अब मतदान होगा। देखिए, इससे पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। छुट्टियों की वजह से तारीख बदली गई है। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको देने से पहले इस बात का हवाला दिया गया था चुनाव आयोग में। इस बाबत ये पक्ष रखा गया था कि देखिए, त्योहारों की वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव होना चाहिए, जिसे चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया और अब यह बदलाव हो गया, ऐलान हो गया है। हरियाणा में चुनाव की डेट बदल दी गई है। 5 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होगी। 90 सीटें हरियाणा की जहां पर इलेक्शन होने हैं, वोटिंग होनी है। एक चरण में मतदान होगा। पहले 1 अक्टूबर को होना था और अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होगी। छुट्टियों की वजह से तारीख बदली गई है। इस बीच देखिए, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, वोटों की गिनती होगी। और देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ गए इस खबर पर अपडेट के लिए। हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से और सानिया भी जुड़ चुकी है हमारे साथ अम्बाला से। जसवीर का पहले रुक कर लेते हैं। जसवीर, ये बड़ा ऐलान, हालांकि देखिए पहले से हम उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों में बदलाव होगा और ऐसा हुआ ही। बिल्कुल मोनिका, सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग से ये अपील की थी, ये छुट्टियों का दिन है और उन्होंने ये अपील बोले थे कि जो चुनाव की डेट है वो आगे कर दे। पहले क्यास लगाए जा रहे थे शायद 15 दिन ये डेट आगे हो जाएगी, पर चुनाव ने उनकी बात तो मान लिया और ये उन्होंने एक की जगह 5 तारीख को ये चुनाव होने के और 8 तारीख को ये चुनाव का जो नतीजा है वो आएगा। और आपको बता दें कि हरियाणा में एक ही दिन में सभी जगह पे ऊपर 90 सीटों के ऊपर चुनाव होगा। तो चुनाव की जो डेट है एक ही जगह से अब उन्होंने 5 तारीख की कर दिया और जो रिजल्ट आएगा वो 8 तारीख को आएगा। मोनिका, बिल्कुल। सानिया सोबती भी हमारे साथ अम्बाला से जुड़ी हुई है। सानिया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए चुनावों की तारीखों में बदलाव जो है वो आज कर दिया गया है। भाजपा ने साफ तौर पर यह पत्र भी लिखा था कि छुट्टियों के दिन है की वजह से जो है वो कम हो जाएगी और इसलिए उन्होंने चुनावी तारीखों को आगे पीछे करने के लिए जो आह्वान है वो किया था। लेकिन अब जो है वो आज चुनावी तारीखें चेंज हो चुकी है। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा तो चुनाव है वो 8 तारीख को यानी कि 8 अक्टूबर को आने वाला है। 8 अक्टूबर यानी कि वो दिन होगा, ये देखा जाएगा कि किसके सिर पर जो है वो जीत का ताज जो है वो फहराएगा। इसके अलावा पहले 1 अक्टूबर को जो है वो हरियाणा में वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब उसमें बदलाव जो है वो हो चुका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में जो है वो 1 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होगी। उनकी तारीखों में बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। और परिणाम जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी अब 8 अक्टूबर को होने वाला है। बिल्कुल जसवीर, आप क्या लगता है, जैसे कि पहले हम जिक्र कर रहे थे इस बात का और कयास भी लगाए जा रहे थे लगातार कि छुट्टियों का पूरा सीक्वेंस हो गया, इस वजह से कहीं ना कहीं वोट परसेंट जो है उस पर जो है कमी देखी जाएगी और शायद इसीलिए फैसला भी लिया गया। अब क्या लगता है, वोट परसेंट में जो पहले हम कमी की उम्मीद कर रहे थे अब वो ज्यादा होगा? मनीषा, बिल्कुल, जो छुट्टियों की वजह है वो उसकी छुट्टियों की वजह से जो कई जो जिन्होंने वोट डालनी होती वो अपने अपने प्रदेश में चले जाते हैं, जैसे कि यूपी बिहार या कई कई बॉम्बे या दिल्ली में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इलेक्शन की जो वोटिंग परसेंटेज थी वो कम हो सकती है। जिसको लेके बीजेपी और एक दो पार्टियां और है जिन्होंने ये गुहार लगाई थी कि ये इलेक्शन की डेट आगे कर दी जाए, क्योंकि लगातार छुट्टियां देखने को मिल रही, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने उनकी बात तो मान लिया पर सिर्फ उन्होंने एक जगह एक तरीके की जगह थे अब उन्होंने 5 तरीके की उन्होंने ये इलेक्शन की डेट बढ़ा दिया। 8 तरीक को जो रिजल्ट आएगा वो 8 तरीक को देखने को मिलेगा किसके सिर के ऊपर ये ताज सजेगा। बिल्कुल सानिया, आपको क्या लगता है, जैसे कि हरियाणा में ये बदलाव किया गया है, जम्मू कश्मीर में चेंज क्यों नहीं किया गया? क्या वहां पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अगर 1 तारीख को ही वोटिंग हो रही है तो? देखिए, हरियाणा के लिए जो भाजपा ने कोई जरूरी की थी और उसके बाद ये बदलाव जो है वो हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बदलाव जो है वो नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो भी हो सकता है, देखने को मिलता है क्योंकि वो
दिन गिनती रहती है कि जितने ज्यादा वोटिंग होती है उतने ज्यादा चांसेस जो है वो जीतते होते हैं। और हर पाकर पार्टी जो है उन्हें भी सोचती है कि जितने ज्यादा वोटिंग हो उतने ज्यादा परसेंटेज जो है वो जीत के भी चांसेस जो है वो रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में तारीखों का बदलाव यहाँ करना कहे हम लोग तो वो चुनाव डिसीजन है, तो हो सकता है कि और चीज जो है वो ये डिसीजन लिया गया और हरियाणा में बदलाव जो है वो किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो बड़ा